हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी हेल्दी आलू दम। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने 1 kg आलू लिया है। पहले आलू को हम छील लेंगे। इस तरह से सारे आलूओं को छील के अच्छे से धो के इनका पानी बिल्कुल सुखा लेंगे। ये हमने कुछ मसाले लिए हैं, काजू और कुछ खड़े मसाले हैं। ये 2 chopped टमाटर, हरी मिर्च, 2 बड़े ऑनियन लिए हैं, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और कुछ लहसुन की कलियाँ। आलूओं में इस तरह से छेद कर लेंगे फोर्क की हेल्प से, या फिर आप टूथपिक की हेल्प से भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको आसान लगे। इस तरह से हम सारे आलूओं में छेद कर लेंगे। आलू भी हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक करके सारे आलूओं को इसमें 80% तक फ्राई कर लेंगे। हमको इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। इस तरह से उलटते पलटते हम इसको फ्राई कर लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं। एक पैन में मैंने 2 स्पून ऑयल लिया है, इसमें लहसुन डालेंगे। अब इसमें चॉप प्याज डाल देंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे और कुछ हमने जो काजू लिए थे उनको भी इसी में फ्राई कर लेंगे। दो 2-3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अब हम इसमें टमाटर को भी ऐड कर देंगे। हल्का सा नमक डाल के पकाएंगे इसको, तो जल्दी पक जाएंगे।
ढकने के बाद 2-3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। एक पैन में 2 स्पून ऑयल डालेंगे, फिर डालेंगे इसमें जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी और कुछ काली मिर्च। अब डालेंगे हम इसमें टमाटर, लहसुन, प्याज जो हमने पकाए थे उसका पेस्ट। एक दो मिनट तक इसको पकाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे हम इसमें बेसिक मसाले, 1 स्पून धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कलर से अच्छा आएगा। तो मैंने वही सिंपल मसाले ही ऐड किए हैं। थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ग्रेवी एकदम से बनके तैयार है। आपको जितना गाढ़ा जितना पतला रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पानी हमेशा हमें गर्म ही यूज करना है, इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अब फ्राई किए हुए आलू को भी ऐड कर देंगे और इस पत्ते को, तेज पत्ते को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें आ चुका है। ग्रेवी में भी उबाल आ गया है। बस थोड़े से आलू जो बचे थे वो भी पक जाएंगे अब इसमें। तो देखिए सब्जी हमारी बनके एकदम से तैयार है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।